हमनी चार और धान बेची के तेल भरी के आयल हियो ईटा तो कास्टिंग लाओ। टेलर अभी बाकी है। हमारे आदिवासी भाई है, कौन कहता है कि जहराम महतो के सभा में खाली महतो समुदाय के लोग आते हैं? बोलते हैं महतो, महतो नहीं, मांझी, महतो मियां, आदिवासी है, पिछड़ी जाति है, जाति शिक्षित बेरोजगार, यहाँ के नौजवान सब उनके साथ है। फिर क्या होता है ना कि पैसा से जाता है, कहता है कि गाड़ी का हमको तेल चाहिए, हमको नाश्ता पानी चाहिए, स्कूटर का तेल चाहिए, तो यहाँ पर कैसे आए हैं सब? सब अपने तेल दे के, अपना पैसा लगा के, अपने सब अपने लगा के आए। पर भारी है जयराम, सब पर, सब पर। कैसे? इसके आगे और कोई नहीं। अच्छा, इसके आगे कोई नहीं? कोई नहीं। मोदी जी का चेहरा जब सामने, अभी खिलौना है इसके सामने। जयराम जी का कैसा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है जयराम जी का। जयराम महतो तो जीतेंगे भारी बहुमत से। मुस्लिम से हैं, हमको मुस्लिम वोट दीजिए। कांग्रेस बोलता है, बीजेपी बोलता है, हम हिंदू पार्टी से हैं, हमको हिंदू वोट दीजिए। लेकिन जयराम महतो सीधा सीधा कहता है कि ना हमको हिंदू से जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा, हम लोग उसको वोट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीति गलियारों में तूफान मच चुका है, और बात गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की हो तो यहाँ पर भूचाल मच चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से जयराम महतो ने यह कहा कि मैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद से झारखंड के राजनीति गलियारों में हड़कंप मच गया। यहाँ मुकाबला दुकोणीय होता था, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज 1 मई है, और आज के दिन ही जो है जयराम महतो बोकारो डीसी ऑफिस से जो है अपना नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। तो जेबीके एसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता है और सभी युवा है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जयराम महतो कैसे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, कैसे महिलाओं को, कैसे बुजुर्गों को, कैसे जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, कैसे उनको समझाएंगे कि हमको मतदान कीजिए, जेबीकेएसएस के प्रत्याशी जयराम महतो को मतदान करें। तो बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कितनी भीड़ आती है इसके बारे में तो हम दिखाएंगे। जयराम महतो जी का कल का इंटरव्यू देखें, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 1 लाख की भीड़ आ गई मेरे नामांकन में तो मैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जीत जाऊंगा, अगर 1 लाख से भीड़ कम होगी तो ये मैं मान लूंगा कि मैं हार गया। तो अभी भीड़ आने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। तब तक इन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन महतो। जनार्दन महतो, कहाँ से आए हैं आप? कसमार टंकटोना पंचायत से। कसमार से आए हैं, तो ये बताइए कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जयराम महतो, तो क्या लग रहा है इस बार जीत जाएंगे? एकदम 100%। कैसे जीतेंगे? देखिए आज तक जो हम लोग के बीच में राजनीतिक करते आए हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म के मुद्दे में करते हैं। कोई बोलता है कि जाति के नाम से हमको वोट दो, कोई बोलता है धर्म के नाम पे वोट दो, कोई बोलता है हम आप मुस्लिम से हैं, हमको मुस्लिम वोट दीजिए। कांग्रेस बोलता है, बीजेपी बोलता है हम हिंदू पार्टी से हैं, हमको हिंदू वोट दीजिए। लेकिन जयराम महतो सीधा सीधा कहता है कि ना हमको हिंदू से जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा, हम लोग उसको वोट देंगे। और जयराम महतो सीधा सीधा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करता है। यहाँ तक कि CHSL, JSSC जितना भी आंदोलन हुआ उसमें हम लोग का स्टूडेंट का दर्द को समझा है, और उसने आंदोलन को भागीदारी दिया है और हम लोग का साथ दिया। क्या नाम हुआ आपका? बालेश्वर कुमार महतो मेरा। बालेश्वर जी कहाँ से आए आप? हम डुमरी से आए हैं। डुमरी से आए हैं, तो डुमरी से आए हैं तो ये बताइए कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। दो जो नेता है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी और मथुरा प्रसाद महतो जी, धन अपार है उन लोग के पास। इतना धन है, इतना धन है कि आप और हम गिन नहीं पाइएगा। तो धन बल के साथ जयराम महतो कैसे मुकाबला करके गिरिडीह लोकसभा जीतेंगे, बताइए? देखिए जयराम के महतो के पास जो है ना पब्लिसिटी इसके पास, और पब्लिक जनता इसके पास है। इसको धन की जरूरत नहीं पड़ेगा, जनता खुद धन दे रहा है। धन दे क्या देगा इसका? जनता अपने आप इसके मतलब जुड़ रहा है, इसके जनता के मतलब पैसा की जरूरत, धन की जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। अच्छा, बिना धन के जीत जाएंगे? हाँ, बिना धन के। इसके क्या, इसके पास जनता, उसका पैसा कहाँ लोगा? कोई नहीं लेगा पैसा उसका। अच्छा, पैसा जो है ना उसको कोई नहीं। ये बताइए कि भीड़ तो मान लीजिए कि सभा में बहुत होती है, हम भी बहुत सारा सभा किए हैं जयराम दादा के जेल जाने से पहले, बहुत सारा सभा किए थे। भीड़ होती है, लेकिन क्या वो भीड़ मतदान में कन्वर्ट होगा ऐसा लगता है आपको? हाँ, मतदान में एकदम होगा, क्या कि हम लोग अभी आए हैं, हम लोग 1800 अपना मारुति का जो भाड़ा दे के आए, हमने खुद अपना भाड़ा अपने चंदा करके आए हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा दिखाइए, वहाँ पर जयराम महतो के समर्थक जो है जा रहे हैं बाइक रैली निकाल के, शायद आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम महतो। कहाँ से आए हैं घनश्याम जी? डुमरी से आए हैं। डुमरी से आए हैं, तो डुमरी जो है दिवंगत जगन्नाथ दा का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ पर जयराम जी का कैसा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है जयराम जी का। जयराम महतो जीतेंगे भारी बहुमत से, जीतेंगे भारी बहुमत से, भारी बहुमत से जीतेंगे। पालेश्वर जी, भारी बहुमत से जीतेंगे,
बताइए कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी के प्रचार करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साक्षात आएंगे, योगी जी साक्षात आएंगे, अमित शाह आएंगे और कैसा कैसा कितना बड़ा बड़ा कदावार नेता है वो आएंगे, साथ ही साथ मथुरा प्रसाद महतो को जिताने के लिए सीएम चंपई सोरेन जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे और बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम लेंगे तो समय निकल जाएगा, इन लोग के सामने कैसे जीतिएगा आप लोग महाराज? कैसे नहीं जीतेंगे, इनका जो कार्य है अभी तक जो काम किए हैं ये पूरे भारतवर्ष में अद्भुत काम है। क्या काम किए हैं? क्या काम नहीं किए? अभी तक ये कोई पद में नहीं है। 17-18 करोड़ अभी तक मुआवजा गरीब का दिलवा चुके हैं। अच्छा। पढ़ा लिखा नेता है जो बेरोजगार बेरोजगारी के लिए लड़ता है। अच्छा। बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ता है, ये महंगाई के लिए लड़ता है, रोटी के लिए लड़ता है। ये आदमी जहाँ किसी गरीब का, शोषित का, दलित का, आदिवासी का आवाज होता है वहाँ पहुँच जाता है। अपने धन और बल के, दूसरे जो पार्टियां धन के और धन बल पर वो अपना पार्टी आदमी को जुगाड़ करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? गुलाब महतो, कसमार प्रखंड से। कसमार से आया है। विधानसभा कौन सा? गोमिया है। गोमिया विधानसभा, गोमिया है। ये बताइए गुलाब जी कि जयराम महतो पर हमेशा से आरोप लगते आ रहा है, जब से हम रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं उनका, कि जयराम महतो जो है अपने जाति समुदाय को लेकर सिर्फ चलते हैं और महतोवाद करते हैं, हालांकि तीनों के तीनों प्रत्याशी एक ही समुदाय के हैं तो महतोवाद करते हैं। तो बताइए, आदिवासी मतदाता भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, मुस्लिम मतदाता 18% है, जनरल मतदाता भी है, ओबीसी में भी और बहुत सारे कास्ट आते हैं, तो उन लोग से वोट कैसे मिलेगा जयराम महतो को? सब पर भारी है जयराम, सब पर, सब पर। कैसे? इसके आगे और कोई नहीं। अच्छा, इसके आगे कोई नहीं? कोई नहीं। मोदी जी का चेहरा जब सामने, अभी खिलौना है इसके सामने गिरिडीह में। अच्छा, जयराम के सामने मोदी जी खिलौना है? गिरिडीह में खिलौना है, गिरिडीह क्षेत्र में। हाँ, खिलौना है। अच्छा, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। आइए इधर देखिए, इधर आ गए। जोहार दादा, क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर इच्छा में आइए, इधर जगह है आप लोग के लिए। क्या नाम हुआ? भुवनेश्वर महतो, कसमार से। कसमार से, तो कसमार से आए हैं तो कसमार तो लंबोदर जी का पूरा एरिया है ना? किसी का एरिया नहीं होता है। जीते हैं वहाँ से विधानसभा विधायक ना? विधायक है तो आप गए हैं ना कसमार? हाँ, गए हैं। कसमार में आपको क्या बोला जनता? जय केवल टाइगर जयराम। हाँ। आपको बोला ना? हाँ, बिल्कुल बोला है। तो विधायक का नाम लेना चाहिए ना? हाँ। क्यों नहीं लिया? आप जो यहाँ से बोकारो का पूरा अभी जो देख रहे हैं रोड बन रहा है, पूरा बोकारो का धुंधला उठा के कसमार भेजवा रहा है लंबोदर महतो अपना ठीका फायदा के लिए। अच्छा, तो क्या उसको देखेगा लोग? ये बताइए, जयराम महतो पे अभी 2-3 दिन से आरोप लग रहा है कि हो सकता है कि नामांकन करने के बाद फिर अपना पर्चा वापस ले लेंगे, ये बीजेपी के बी टीम से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को हराने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आज कुछ दिन पहले देखे होंगे दिल्ली में, यही भाजपा का लोग और कांग्रेस का लोग केजरीवाल को ए टीम और बी टीम बोलते थे। आज आप किसका सरकार है? तो इन लोग दिमाग में जो बुड़बक बनाने का वो डब्बा इन लोग का खत्म है, इसीलिए इन लोग दोगलापन का बात बोल रहा है। जनता देखे, इतना जनसैलाब जो आया है वो लंबोदर महतो रहे, चाहे तो सीपी चौधरी रहे, चाहे मथुरा महतो रहे, इन लोग अपने नजर में देखे कि क्या विकास किया है कि विनाश किया है झारखंड को। ये बताइए कि जितना यहाँ पर भीड़ आई है, बहुत सारा भीड़ क्या होता है ना कि पैसा में से जाता है, कहता है कि गाड़ी का हमको तेल चाहिए, हमको नाश्ता पानी चाहिए, स्कूटर का तेल चाहिए, तो यहाँ पर कैसे आए हैं सब? सब अपने तेल दे के, अपना पैसा लगा के, अपने सब अपने लगा के आए हैं। हाँ, इधर देखिए क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे आप? हम लोग पैसा वाला पार्टी नहीं है। अच्छा है। हाँ, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे मजमा लग चुका है, अब जयराम महतो के समर्थकों की यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तस्वीरों के माध्यम से मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस प्रकार से भीड़ अगर मतदान में तब्दील होता है तो 4 जून का नजारा कुछ और हो सकता है। तो आप हमारे साथ देख लीजिए, क्या बोल रहे थे? हमने चार और धान बेची क्या? तेल भरी क्या? अच्छा, आ लियो इटा तो कास्टिंग लाओ। अच्छा, टेलर अभी बाकी है। कास्टिंग है। इट कास्टिंग है, टेलर बेटा भी बाकी है। कास्टिंग है, उसके बाद टेलर, उसके बाद 4 जून को फिल्म आएगा। हाँ। अरे बाप रे बाप। अच्छा, ये देखिए स्ट्रेटजी देखिए जयराम दादा का, अभी कास्टिंग है नामांकन के दिन, उसके बाद 25 मई को जब मतदान होगा तो टेलर आएगा। हाँ। और 4 जून को जो है जब रिजल्ट आ जाएगा तो क्या आएगा? 4 जून को वो पिक्चर देखेगा, पिक्चर एमईआई में, एबीएम मशीन में देखेगा। एबीएम मशीन में। हाँ, और देख भी कितना वोट से जीतेंगे जयराम दादा? 2 लाख वोट से जीतेंगे। 2 लाख वोट? 2 लाख वोट से। तो ये बताइए कि जयराम दादा का मुद्दा क्या है, क्यों आप लोग जयराम दादा के एकदम ब्लाइंड समर्थक हो गए हैं?
1932 हाँ। तो 1932 तो मान लीजिए कि यहाँ पे राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार इस पे बात करती है, राज्य सरकार ऐसे बना के भेजती है। बात की थी उसी के लेके सरकार हम लोग ने बनाया था, लेकिन वो काम नहीं करने का काम किया है। अच्छा। इसलिए इस बार ना कांग्रेस ना बीजेपी ना आसू, इस बार जयराम। अच्छा, जयराम महतो। तो जयराम महतो तो अभी संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो मान के चलिए अगर जीत भी जाते हैं तो अकेले क्या करेंगे झारखण्ड के लिए? अकेले नहीं, कर फिर आने वाला 6 महीने के बाद विधानसभा भी। हाँ जी, उसमें उसमें क्या नाम है? रोहित मुर्मू। अच्छा, रोहित मुर्मू जी। अरे देखिए, हमारे आदिवासी भाई है, कौन कहता है कि जयराम महतो के सभा में खाली महतो समुदाय के लोग आते हैं? आप कहाँ से आए हैं? जरीडी प्रखंड से। जरीडी प्रखंड से, मतलब बेरमो विधानसभा से आए? जी हाँ। आए? हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह में बदलाव हो जाएगा? जी एकदम बदलाव हो जाएगा। एकदम एकदम बदलाव। चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल में कुछ काम नहीं किया? नहीं, कुछ काम नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? इधर इधर। मोहन मरांडी। मोहन मरांडी जी, हम लोग है जरीडी प्रखंड से। अच्छा, तो आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? चंद्र प्रकाश चौधरी जो है 5 साल से सांसद रहे हैं यहाँ पे, उनके पास काम गिनाने को बहुत सारी चीजें हैं। मोदी जी का काम गिनाएंगे, अपना धरातल पे जो काम किए वो गिनाएंगे, अब मथुरा प्रसाद महतो के पास भी सरकार का काम गिनाने को बहुत कुछ है, वो खुद विधायक है, उनके पास काम गिनाने को बहुत कुछ है, लेकिन जयराम महतो जी के पास क्या है? तो अभी नया है, 2-2.5 साल से आंदोलन किए हैं, 2-2.5 साल के बीच में आप लोग देख सकते हैं क्या हुजूम है। नौजवानों का हुजूम है, और मैं भी 61 साल का आदमी हूँ, हाँ BSC रिटायरमेंट आदमी हो, मैं इसके साथ हूँ और मैं आदिवासी समाज को बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है ना? तो आप बोलते हैं महतो, महतो नहीं, मांझी, महतो मियाँ, आदिवासी है, पिछड़ी जाति, अगड़ा जाति, शिक्षित, बेरोजगार, यहाँ के नौजवान सब उनके साथ है, इसीलिए कोई भी मीडिया वाला आप लोग ये नहीं कहिए कि आदिवासी नहीं है। यहाँ पर भीड़ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई जातिवाद और धर्मवाद नहीं चल रहा है, यहाँ पर शिक्षावाद चल रहा है, यहाँ पर विषयवाद चल रहा है, यहाँ पर जो है रोजगार की बातें हो रही है, यहाँ पर पलायन रोकने की बातें हो रही है, यहाँ पर विस्थापन की बातें हो रही है, यहाँ पर पुनर्वास की बातें हो रही है। अब देखना यही होगा कि ये जो भीड़ हो रही है 25 मई को मतदान में तब्दील होता है कि नहीं होता है, उसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। जयराम महतो बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर नामांकन पर्चा भरने आएंगे, उसके बाद भीड़ का आलम क्या होगा उसके लिए हम आप इंतजार कर